माता जी क्या है? जल्दी चलिए, आपकी बहन गिर पड़ी। मेरी बहन? जी हाँ। विमला? जी हाँ, बहुत खून बह रहा है। अरे देखो तो इन लड़कों ने क्या क्या नए नए खेल निकाले हैं। बड़े बदमाश साहब, देखो तो इस बेचारी को कितनी चोट लगी है और कितना खून बह रहा है। जरा हटो तो, हटो। विमला, विमला हालत बहुत नाजुक है रमेश। विमला इसे जल्दी इस शहर के अस्पताल ले चलो। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? हालत बहुत नाजुक बताते हैं चाचा। डॉक्टर लोग कहते हैं कि खून बहुत बह चुका है। विमला के जिस्म में फौरन खून पहुंचाने की जरूरत है। मैंने अपना खून देखने के लिए दे दिया है, देखें क्या होता है। मिस्टर रमेश है? आप मिस्टर रमेश हैं? जी हाँ। आप अपनी बहन को देख सकते हैं, जाइए। विमला मगर ये बात नहीं करती। ठीक है, आप जाइए। क्या हाल है रमेश? चाचा कुछ समझ में नहीं आता। चाचा मिस्टर रमेश हाँ? बड़े डॉक्टर साहब आपको बुलाते हैं। बेड नंबर 16 कैंसर। बेड नंबर 17 डिस्चार्ज। क्या नाम? विमला कुमारी। जी हाँ। हमारी छोटी बहन है ना? जी हाँ। वेल, रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं आई। तुम्हारा खून देखा मगर अफसोस है वो उसे नहीं दिया जा सकता। बच्ची को मुआफिक नहीं पड़ेगा। तुम्हें 50 रुपए खर्च करने होंगे खून खरीदने के लिए। 50 रुपए? हाँ। जरा ठहरिए। सर मैं देखता हूँ मेरा खून इसके मिजाज के मुआफिक। सुनिए, मैं अपना खून दूंगा मुफ्त। मुफ्त? हाँ हाँ, आप फिक्र ना कीजिए। जैसे आपकी बहन है वैसे मेरी भी। मिस्टर रमेश, आप अपनी बहन को हंसता खेलता घर ले जाना चाहते हैं ना? जी हाँ, जरूर जरूर। वो देखिए, विमला। भैया। विमला चलो घर चले। Any case of transfusion, nurse? No, doctor. अहा, तो तुम घर जा रही हो? अच्छा जाओ जाओ। डॉक्टर साहब मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप ही ने मेरी बहन की जान बचाई है। मैंने? अरे भाई बचाने वाला तो वो परमात्मा है, लेकिन मेरे दोस्त मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो दुनिया जो हमेशा पैसा ही कमाने के लिए रहने के काबिल नहीं। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों के सुख के लिए जिंदा रहो। आप सच फरमाते हैं डॉक्टर साहब। खुश नसीब है वो भाई जिसे तुम जैसी प्यारी बहन मिली। अच्छा बताओ तो तुम मुझे प्यार करोगी इतना ही जितना तुम अपने भाई को प्यार करती हो? क्यों नहीं जरूर जरूर डॉक्टर। गुड गुड। नमस्ते। नमस्ते। परमात्मा की दया से इसने सचमुच दूसरा जन्म पाया है। क्यों रमेश? बिल्कुल ठीक कहते हो चाचा। आखिर ये गिर कैसे पड़ी, हुआ क्या था? मैं बताता हूँ मास्टर जी। हा? ये कहने लगी मैं तुमसे तेज दौड़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा दौड़ो। ये दौड़ी बस उनकी चोट लग गई। ओ, तो ये सब करतूते आप ही के हैं। मगर मास्टर जी हा? जब विमला गिर पड़ी तो ये भी रोने लगा। ये मैं जानता हूँ। घर पे हो? कौन है भाई? अरे शंकर आओ आओ अंदर आओ। तो विमला कैसी है? भगवान की दया से अब तो बहुत अच्छी है। चाचा ये हमारे शहर के दोस्त शंकर बाबू बहुत बड़े वकील हैं। और नमस्ते नमस्ते है, नमस्ते। तो बिमली निगड़ी हो गई? भगवान न करे। दिस इज आवर सिविलाइजेशन। इंडिया टुडे एंड टुमारो
वाह वाह, दुखिया भारत, ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर तुम इतने खो गए हो रमेश कि तुम्हें खबर ही नहीं कि तुम खुद क्या कर रहे हो। तुम हो के वही एक मामूली स्कूल मास्टर अब तक बने बैठे हो। क्यों भाई, क्या सारी उम्र स्कूल मास्टर ही रहने का इरादा है? क्यों, क्या हुआ? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या खुश हो? अभी तुम ही कह रहे थे कि वक्त पड़ा तो खून खरीदने के लिए 50 रुपए भी घर में ना निकले। रमेश, याद है बचपन में हम कैसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखा करते थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आज देखता हूं कि नसीब ने जो शुरू शुरू में तुम्हें बना दिया, उसी पर शुक्र किए स्कूल मास्टर ही बने बैठे। मैं अपने लिए किस्मत को क्यों कोसूं? हाँ, मेरी जगह कोई दूसरा होता तो कुछ कह भी सकता था, लेकिन अपने लिए मैं किस्मत में कोई खराबी नहीं पाता। कैसे पाओगे? अपनी जरूरतें मार ली हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा कमाने की ख्वाहिश नहीं है। अरे भाई, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं कि जो कुछ तुम कमाते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें कमाना चाहिए। क्यों? अच्छा ठहरो, तुम्हारे लिए अब जरूरतें पैदा करनी ही होंगी। मतलब? शादी करो। शादी? हाँ। मैं करूं? मुंह से एक दफा हाँ कहो, फिर देखो हजारों रिश्ते घर बैठे आ जाएंगे। हो सकता है कि देश में हर चीज का काल हो, मगर ये बता देता हूं कि काल नहीं है तो लड़कियों का। हाँ कहो और एक अदद बीवी तुम्हें फौरन ही मिल जाएगी। और भाई रमेश, अगर तुम नाविलों के ढंग पर शादी करना चाहते हो तो भाई आंखें बंद करके किसी लड़की की मोहब्बत में कूद पड़ो। मोहब्बत में कूद पड़ो? क्या कहा? मोहब्बत? मोहब्बत? ना भाई, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का रोग ही नहीं है। हाँ, इनसे भी मोटी मोटी 10-20 हजार किताबें पढ़ने को कहो, तैयार। 25-30 लाख आदमी में खड़े होकर तकरीर करने को कहो, मंजूर है। देश की खातिर 2-4-10 बरस कैद काट के आऊं, ओके। मगर मोहब्बत? ना भाई, ये मेरे बस का रोग नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं ये काम, मुझसे कभी मत कहना। हाँ, मगर ये भी ख्याल मत करना कि मेरे दिल में मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है और करता हूँ, मगर अपनी छोटी नन्ही सी बहन से। सुना बिमला, तुम्हारे भैया क्या कह रहे हैं? ये कहें या न कहें, लेकिन मेरा दिल इसे खूब जानता है। हाँ भैया, तुम्हें मालूम है शंकर भैया कल ही वापस शहर जा रहे हैं। वापस शहर जा रहे हैं? हाँ। अरे हाँ, वो तो भूल ही गया, वो शादी वादी का किस्सा कहने वक्त निकाल बैठे। अरे मारो गोली इस शादी वादी किस्सा, मगर तुम जा नहीं सकते। नहीं भाई, मुझे काम है, मैं आऊंगा, वादा करता हूँ, रोज आऊंगा। अरे ठहरो ना। मगर दोस्त, जब सिंगल से तुम डबल हो जाओगे। अच्छा दोस्त, गुड नाइट। शबनम की मस्तानी आंखों के मोती मुग्ध जगा दे।
शबनम की मस्तानी आँख के मोती मुंह लुटा के अमृत सा भूलूं रे, अमृत सा भूलूं रे। क्या तुम भी मेरी तरह उनके लिए बेचैन हो? हाँ भैया, लेकिन मैं कह रही थी कि ये नोट उनके हैं। हाँ, मेज पर ही छोड़ गए। और मजे की बात ये कि मैंने उनसे कहा भी कि ये रुपए आपके हैं। बोले हाँ हाँ ले लूंगा, ये कहकर उन्होंने यहाँ रख दिए। मैंने फिर कहा कि आप भूल जाइएगा, उठा लीजिए, कहने लगे नहीं याद रहेगा, ये कहकर यहाँ रख दिए। मैं फिर गई, कहा शंकर भैया ये रुपए आपकी जेब में रख दूं? बोले नहीं नहीं मैं ले लूंगा। आप देखिए वो चले गए और रुपए यहीं पड़े रह गए। हाँ याद आया, रेल में सवार होते वक्त तुम्हारे नाम एक चिट्ठी ले गए, देखो क्या लिखते हैं। भूले से अगर रुपए रह गए हों तो बिमला वापस मत भेजना, अगर किसी की जेब में रुपए रखने से तुम्हें आनंद मिलता हो तो चुपके से ये रुपए अपने भैया की जेब में डाल देना। भैया तुम मुझे प्यार करते हो? बहुत। और शंकर भैया को भी? हाँ। लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। वो कैसे? वो कुछ ना कुछ तुमको हमेशा देते ही रहते हैं और मैं तुमसे छीनती ही रहती हूँ। छीनती ही रहती हूँ पगली कहेगी। बच्चों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये लड़ाई वो जबरदस्त लड़ाई है कि जिससे दुनिया का नक्शा दिन ब दिन बदल रहा है। तब तो मास्टर जी हम घर जाएं, लड़ाई के बाद पढ़ लेंगे। फट! बैठ बैठ बैठ, नेवले का समूह निकाला है, जाऊं लड़ाई के बाद पढ़ेंगे। ज्योग्राफिया हो गया, तवारीख भी याद है? जी हाँ। बता तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई? हाँ। पानीपत। बस। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी लड़ाई? पहली लड़ाई के बाद। इससे पहले बेंच पे कब खड़े हुए थे? रात की जमात में। ओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कान पकड़ो और सुनो, ये पानीपत की लड़ाई का सबक 24 बार लिखकर मेरे घर पे लाओ। जी अच्छा। तुमने क्या सबक याद किया जी? ये क्या? रामू जल्दी आओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। अरे ये पर्चा किसने फेंका है? कौन बदतमीज है? क्या आखिरी स्कूल मास्टर से? जी हाँ। इसमें हंसने की क्या बात है? इसलिए कि आप स्कूल मास्टर नहीं मालूम होते। हाँ? तो फिर क्या मालूम होता हूँ? आप तो बहुत भले आदमी मालूम होते हैं। ओह ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने जो कुछ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं 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 वो बात नहीं, ये समझे, मुझे माफ कीजिए। माफी किसमें क्या खास बात है? आप रामू को बुलाना चाहती हैं ना? जी। बेशक आप उसे ले जा सकती हैं। रामू? आप रामू को मारेंगे तो नहीं? जी आप क्या कह रही हैं? ये वाला हो सकता है कभी? ये देखिए, ये देखिए। अरे कान पकड़ने को तुझे किसने कहा? जा अपनी किताबें लेके आ। मैंने पहले ही कहा था कि आप स्कूल मास्टर नहीं मालूम होते, आप तो बहुत नरम दिल मालूम होते हैं। नरम दिल? नरम दिल ठीक नहीं, सख्त दिल भी हूँ, लेकिन इस वक्त कुछ। हाँ मैं क्या कह रहा था, रामू 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 आप उसको अभी ले जाना चाहती हैं ना? जी बात यह है कि गांव में हम लोग बिल्कुल नए आए हैं और यह लड़का बेचारा हमारे बहुत काम आता है। आप इस गांव में पहली मरतबा आई हैं? जी हाँ, बम गिरने के डर से पिताजी हमें शहर से यहाँ ले आए हैं। ओह तो आप जमींदार बाबू की लड़की हैं? जी हाँ। अच्छा तो जब कभी रामू की जरूरत हुआ करे आप तो आपके पास चली आया करो। जी हाँ मेरे पास चली आएगी। अच्छा आपके पास चली आया करो। जी हाँ मास्टर जी, जाओ
यहाँ जाओ। अच्छा नहीं, इधर जाओ। हेडमास्टर, जाता हूँ। जी जी, मास्टर जी ने क्या कहा? मास्टर जी ने कहा है कि रामू जब जीजी के बुलाने से नहीं आएगा तो वो उसका कान क्यों मरोड़ देंगे। आप यहाँ क्या करते हैं? ये देखिए, आज दिल मास्टर नहीं आए, आप बच्चों को दिल कराएंगे। मैं? हाँ। जब कभी रामू की जरूरत हुआ करेगी तो मैं आपके पास चली आया करूंगी। भैया। हाँ। रामू आया है। रामू आया है? बुला 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 रामू को। आ रामू, आ जल्दी, आ इधर आ जा। मास्टर जी। हाँ। आज मैं हाँ। सिर्फ 12 ही दफा लिख कर लाया हूँ। और कल इसकी कोई जरूरत नहीं? अब नहीं नहीं, कल जरूर। अरे मैं कहता हूँ कोई जरूरत नहीं। सवेरे जरा मैं नाराज था, अब खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मगर नहीं जानता क्यों खुश हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, अब रहने दो। लो मिठाई खाओ, ये एक, ये दो, मुंह खोलो, ये तीन, जाओ भाग जाओ, चलो भाग जाओ। रामू की जब कभी जरूरत हुआ करेगी मैं आपके पास चली आया करूंगी। ये क्या है भैया? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो जरूर है। अरे मैं कहता हूँ कुछ नहीं, जाओ पानी का एक गिलास लाओ। पानी तो लाई हूँ। ओ, ओ, पानी ले आई। अच्छा तो जाओ कुछ और ले आओ, जाओ जाओ कुछ और जो मिलता है ले आओ, जाओ। हाँ कुछ जरूर है। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, बैठो। हाँ आज क्या पढ़ाना है? तवारीख। और क्या सबक है आज का? अशोक का राज। हाँ तो बच्चों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अशोक एक बहुत बड़ा राजा था। उसका राज हिमालय से लेकर और लंका तक था, और वो बड़ा धार्मिक और बड़ा धार्मिक। और ए जी सुनती हो, रमेश की चिट्ठी। क्या लिखा है? लिखता है, मेरे दोस्त तुम्हें याद होगा एक दिन मैंने कहा था कि मोहब्बत करना मेरा काम नहीं, मगर आज मेरी जिंदगी में एक नई और अनोखी बात हो गई। कुछ दिन हुए कि यहाँ एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, अब दिल है कि बार बार उससे मिलने के लिए तड़पता रहता है। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? दूसरी बात ये, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते यकायक उसका ख्याल आकर मुझे ऐसा महव कर देता है कि मैं बेमौका बेमहल रुक जाता हूँ। ऐसा पहले कभी ना होता था, क्या इसी का नाम मोहब्बत है? तीसरे ये कि पहले मैं दिल की बात किसी से भी नहीं छुपाता था, मगर अब मैं उसके ख्याल को दिल में छुपाए रखता हूँ, उसकी बात किसी से नहीं कहता, दिल ही दिल में लुत्फ उठाता रहता हूँ। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? क्यों जी, बार बार मिलने को दिल चाहना, पढ़ाते पढ़ाते बेमौका रुक जाना, दिल की बात हरेक से छुपाना, क्या इसी का नाम मोहब्बत है? तुम भला क्या जानो, मोहब्बत करते तो जानते है। जाओ एक दिन तुम भी बुरी तरह मोहब्बत में फंसोगे, मगर अपनी इस अभागी स्त्री की मोहब्बत में। रमेश क्या बात है? अभी बात क्या है बोलो? बात क्या है भैया, जिम्मेदार बाबू आ गए हैं, नया बगला पिछला सारा लगाने का इकट्ठा मानता है। जी हाँ, कहता है कि तुम्हारे घरों को आग लगा दूंगा। और कहता है कि लगान नहीं दोगे तो हंटर मार मार के खाल उतार लूंगा। अजी वो पाजी रोज आकर हमें डराता है और धमकाता है। सुन लिया चौधरी चाचा, बड़े आदमी तो बड़े आदमी, उनके नौकर उनसे भी चार जूते आगे जाते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? सुनो भैया, अब के अगर नायब आए तो साफ साफ कह देना कि जब होगा तब देंगे, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर वो आकर हमें मारे, हमारे घरों में आग लगा दे तो? अरे भाई सरकारी कानून भी तो कुछ चीज है, गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है, शायद उसे ये नहीं मालूम। उसकी रूह से तुम लोगों से वो इकट्ठा लगान का रुपया नहीं ले सकता, इसलिए तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ, आराम से बैठो।
वो आएगा तो उससे मैं जरूर लूंगा। तो भैया तुम्हारा नाम ले दे। हाँ ले दो, मैं तो पहले ही कह चुका भाई, जिम्मेदार तो जिम्मेदार, गवर्नमेंट भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ अपने अपने घर में आराम से बैठो। चौधरी चाचा जरा बात सुनो, मैंने सुना तुम शहर जा रहे हो। हाँ हाँ। मैं चाहता हूँ कि इस कोर्ट को आप पेंशन दे दूँ और एक नया कोर्ट बनाऊँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो अपने तन को भी देखना चाहिए। रुपए लाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़ा लेता हूँ। मैं अभी घर से लेके आता हूँ, तुम घर चलो। तो भूलना नहीं। नहीं, मैं 3 बजे की गाड़ी जाऊँगा। मैं अभी लाया। अच्छा। ना बहन, मेरे भैया के बारे में कुछ मत कहना। उनका क्या दोष, वो तो मुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं, मगर मैं लेती ही नहीं और हमेशा उनसे कह देती हूँ मुझे जरूरत नहीं। वो कैसे दे सकती हैं, उन्हें तो तनख्वाह बहुत कम मिलती है। ये हार देखा, मेरे पिताजी ने मुझे पिछले साल दिया था, ईद दिवाली पर वो मुझे चूड़िया देंगे। हार अच्छा है ना? बहुत अच्छा। तुम्हारे भैया भला ऐसा हार दे सकते हैं? हाँ, जरा उनसे मांग कर तो देखो। और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना कह देती हूँ, अगर मैं मांगूंगी तो वो मुझे जरूर देंगे। हाँ देंगे। अरे जी, दरवाजा बंद कर लो। जय महाविष्णु। विमला, क्या है भैया? ये देख, मैं तेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाया हूँ। ओह, जा अपनी सब सहेलियों को बुला ला। मैं अभी चली, कहती थी तेरा भैया कुछ लाकर नहीं देता, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ। श्यामा, ओ गोरी। आ छोटी श्यामा, भैया लो सब आ गए। आओ लाइन बांध कर खड़ी हो जाओ। शाबाश, ठीक है, ये लो भाई तुम्हारा हिस्सा, ये लो तुम, और ये तुम लो, ये तुम लो, ये भी तुम्हारा हिस्सा ले भाई। काल टीम। और बिमला को? बिमला को कुछ नहीं मिलेगा, उसने बहुत बड़ा कसूर किया है। कसूर? हाँ, बहुत बड़ा कसूर, और वो कसूर ये है कि वो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, इसलिए उसको सजा मिलेगी। सजा? सजा, और वो इतनी भारी सजा कि तुम लोग देख भी नहीं सकोगे, इसलिए दीवार की तरफ मुंह फेर लो, फेरो दीवार की तरफ मुंह कर लो, घूमो, तुम भी आंखें बंद करो, खबरदार कोई इस तरफ मत देखना। शाबाश, सजा मिल चुकी, अब घूमो। क्या सजा मिली? देखो ना गले में। ओ, कितना अच्छा हार है, भैया को नमस्ते करो, कितना अच्छा हार है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्षमा करना बहन, मुझसे भूल हुई। तुम सबको ये हार पसंद है ना? हाँ। रमेश घर में हो? अच्छा तुम लोग यहीं खेलो, मैं अभी आता हूँ। रमेश, अरे अब तक रुपए नहीं भेजे, अरे जल्दी लाओ भाई, मुझे देर हो रही है। रुपए? हाँ। वो तो सारे किसी के गले मंड गए। हैं? हाँ, तुम चाहते हो ना मैं कोर्ट बनाऊँ? हाँ हाँ, बनाऊंगा, मगर अगले साल। अगले साल? हाँ। तेरी मर्जी। क्या बात है भैया? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो चौधरी ये हार पसंद आया ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नामुमकिन नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, यहाँ कुछ काम ही नहीं है सिवाय ये कि दिन भर बेकार पड़े मक्खियाँ मारते रहो। किया भी क्या जाए, शहद तो है नहीं, और तुम्हारे खानदान में बेटा गांव में बाहर निकलना बुरा समझा जाता है। कल तुम अकेली स्कूल तक चली गई, ये बहुत बुरी बात है। तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ निकलने की इजाजत दी है, अकेले नहीं, अब ऐसा न करना बेटा। तुम तो ये कहोगी। रामू की माँ ठीक ही कह रही है बेटी कृष्णा, यहाँ हम लोगों के फिरने फराने का एक तरीका है। रामू की माँ, तुम तो जानती हो मेरी बेटी ने शहर में तालीम पाई है, वो भला क्या जाने गांव की बातें। तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को यहाँ किसी तरह की तकलीफ ना हो। मैं जानती हूँ पिताजी। मेरी अच्छी बेटी। नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदार बाबू लड़की आने वाली हैं, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे भाई, वो तो बागीचे में सैर करने के लिए आ रही हैं, और ये लोग बेचारे अंदर तालाब पे नहाने जा रहे हैं, इसमें उनका क्या हर्ज?
ये सब कुछ जिम्मेदार बाबू से पूछो जिनका हुक्म है। हटो हटो कार जाए। क्या बात? आप सैर करने के लिए आने वाली है ना, इसलिए ये लोग चारे तालाब पर नहाने के लिए नहीं जा सकते। अगर ये सब झगड़ा मेरे कारण है इन सबको जाने दो। ये कैसे हो सकता है बेटा, इन्हें जाने दो। शुक्रिया। अच्छा बाप तो कहिए कहिए। कृष्णा ओ एक मिनट। क्या बात क्या है? जानू के लिए एक कमीज देने को कहा था ना, दो दूंगी। क्या मुसीबत है, मैंने इतनी बातें की मगर आप हैं कि हम हाँ इसके सिवा कुछ बोलते ही नहीं। बोलिए, क्या बात नहीं कर सकते, बोलना नहीं जानते? ठीक ये बात नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं कुछ कह नहीं सकता। उस दिन भी आपसे मुलाकात हुई तो कुछ बात ना कर सका, फिर सोचा कि अब की मुलाकात होगी तो यूं कहूंगा ये कहूंगा यूं बातें करूंगा, लेकिन न जाने आपकी आंखों में क्या है कि सामने आते ही सब कुछ भूल जाता हूं। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे नैनों में नहीं तो सुख दुख खोए नैनों में रहें तो सुख दुख खोए छिपे तो चैन हरे दू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे तन तन के चलाए थी नस नस में उठाए भी तन तन के चलाए थी नस नस में उठाए पी मधु भरे रसीले निठुर बड़े ना डरे ना धीर धरे दू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे जब होती हो तुम उस पार मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार पास आई तो ऐसे भूल गए पल चिन्ह में सब कुछ भूल गए पास आई तो ऐसे भूल गए
पल छिन में सब कुछ भूल गए, खुशियों के सोते उबल पड़े हर अंग में रंग भरे। तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुलम करें, हम पर जुलम करें। ओ रामू की माँ, तुम्हारे लिए ले हूँ, बस रहने दो, अब तुम्हें लाना नहीं होगा, मैं आप ही ले आई। कृष्णा जी। पिताजी। बेटा सुना है तुम फिर पढ़ना चाहती हो? जी हाँ पिताजी। मगर इस गांव में ये कैसे मुमकिन हो सकता है बेटा? हाँ मगर रामू की माँ ने एक बहुत अच्छा मास्टर ढूंढ निकाला है। अच्छा? हाँ। ओ रामू की माँ जी, वो मास्टर कौन है? मास्टर रामू की माँ हमेशा भूल जाती है, तुम सब कुछ भूल जाती हो रामू की माँ, सब कुछ। तुमको दो गाने से देने को कहा था ना, तीन मास्टर पढ़ाने के लिए। ओ हाँ 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 मास्टर। वो कृष्णा को पढ़ा सकेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ उसका नाम क्या है? नाम देख लिया पिताजी, रामू की माँ को कुछ याद ही नहीं रहता। हरीश बाबू कहा था ना, हरीश हरीश हरीश। ओ हाँ 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 हरीश बाबू। अच्छा ठीक है, उसे बुला भेजो। तुम कितनी अच्छी हो रामू की माँ, कितनी अच्छी। ओ अब कहाँ चले? अब भी आई। आइए आइए भैया। हाँ देखिए कौन आई है। कौन आई है? ओ आइए। नमस्ते, एक काम के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कहिए। पिताजी चाहते हैं कि यहाँ रहकर मैं और पढ़ूँ। बहुत अच्छी बात है। और वो ये भी चाहते हैं कि आप ही मुझे पढ़ाएं। कुछ ऐसी बात नहीं, सिर्फ सुबह को 7 बजे से 9 बजे तक। ओ बहुत ठीक है, मगर एक शर्त पर। वो क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश। नहीं 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 ये तो नहीं, नहीं, नहीं मेरे घर में आपका ये नाम नहीं रहेगा, नाम होगा हरीश बाबू। हरीश बाबू? क्या बताऊं, पिताजी ने मुझसे आपका नाम पूछा, मुझे तो मालूम ना था, मैंने झट कह दिया हरीश बाबू। ओ तो ये कहिए कि मेरा इंतखाब आपने किया है, आपके पिताजी ने नहीं, ठीक है ना? कहिए बोलिए। नमस्ते नायक। तुम कहते हो कि गांव भर में झगड़ा फसाद, रमेश स्कूल मास्टर ने मचा रखा है आपकी दया से। जी हाँ सरकार, आपकी दया से वही सब गांव वालों को बहकाता चिकलाता है और आपकी दया से उनसे कहता फिरता है कि तुम जरा बराबर फिक्र ना करो, मैं सब सुलझ लूंगा, सरकारी कानून भी तो कोई चीज है। ये बात? जी हाँ सरकार, बया आपकी दया से सरकारी कानून लेकर। सरकार आपकी दया से मैंने भी तो 12 साल से आपके यहाँ कलम चलाया है, वो घास नहीं काटी आपके यहाँ। जी हाँ तो उस बदमाश को ठीक करना होगा। जी हाँ सरकार, जरूर आपकी दया से। लेकिन सरकार अगर आप इजाजत दें तो आपकी दया से मैं कम वक्त को ऐसा समझ दूँ कि जिंदगी भर ना भूल सके सरकार आपकी दया से। वो हमारी रैयत है ना। रैयत? जी हाँ सरकार आपकी दया से, लेकिन वो तो बिल्कुल। उसे एक मरतबा यहाँ बुला लाओ। बहुत अच्छा आपकी दया से, अभी उसे। वो आ गए। कौन? कृष्णा के मास्टर। ओ यही वो मास्टर है रामू की माँ? जी हाँ। अच्छा ठीक है। हरीश बाबू, हरीश बाबू। तो हाँ हाँ मैं ही हूँ हरीश। बैठिए बैठिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये बहुत अच्छे मास्टर हैं पिताजी, पढ़ाने में सच जानिए एक हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो ये गांव बहुत अच्छा है, मगर आजकल एक चीज है जो मुझे जरा तकलीफ दे रही है।
यहाँ रमेश एक स्कूल मास्टर है ना? जी हाँ है। आप उसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। सुना है बुरा आदमी है। बुरा? अजी वैसा बुरा तो आपको दूर दूर तक नहीं मिलेगा। ओ, तभी नायब कह रहा था वो मेरी रियाया को भड़का रहा है। सिर्फ भड़का ही नहीं रहा बल्कि आपके घर में डाका मारने की कोशिश कर रहा है। डाका? जी हाँ, और एक बड़ी अनमोल चीज के लिए। डाका और मेरे घर में? गोली मार दूंगा गोली। आखिर ये मैंने हट्टे कट्टे आदमी किस लिए पाल रखे हैं? डाके डाके में फर्क होता है जिम्मेदार बाबू। ये वो डाका है जिस डाके में गोली और बंदूक की आवाज नहीं, इसमें नौबत बजेगी। नौबत? हाँ, नौबत। ये मैं कुछ नहीं समझता, मगर इतना कह देता हूँ कि अगर उसने इधर का रुख किया तो छट्टी का खाया याद आ जाएगा। नायब? नायब? वही वही। अरे वही कौन? जी वही तो। तुम्हें क्या हुआ? आपकी राह से होना क्या है? अभी तो आप कह रहे थे कि उस बदमाश रमेश को मजा चखाना होगा। हाँ? और अभी आप उससे हंसकर कर बातें कर रहे थे। वही तो है वो बदमाश रमेश। वो रमेश है? जी हाँ, आपकी दया से। भाग बेटा रमेश। अरे आप भागते क्यों हैं? ठहरे ना। ठहरूं? तो तुम अच्छी तरह पहचान गए कि ये वही रमेश है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दया से। तो आप रमेश हैं? जी हाँ। तो आप रमेश हैं? मैंने पहले ही कहा था वो बहुत बुरा आदमी। अच्छा, ऐसा बुरा आदमी दूर दूर तक नहीं मिलता। तो समझा। पिताजी। नायक, मेरे ख्याल में वो आदमी तो इतना बुरा नहीं। जी आपकी दया से। और पढ़ाने के बारे में भी कृष्णा कह रही थी कि एक है। जी। अच्छा, अभी उसको पढ़ाने दो। लेकिन सुनो, तुम पहले ये मालूम करो कि कृष्णा ने उसे अपना मास्टर किस लिए बनाया। आखिर उसे सीखना क्या चाहती है? जरूर जरूर, आपकी दया आपकी दया से यूं मालूम कह लेता हूँ। 8:30 बज गए, मास्टर जी अब तक नहीं आए। क्या खराब है? आज वो नहीं आएंगे। मैं गए थे, उनकी बहन को बुखार तो नहीं है, सिर्फ बदन गर्म है। फिर भी वो ना कुछ खाते पीते हैं, ना उसके पास से हटते हैं। भैया, स्कूल जाने की तैयारी करो। मैं अब अच्छी हूँ, कल से तुम बेकार परेशान हो। तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ? वाह वाह, अच्छी रही। आप आए नहीं? ये क्या, बिमला को क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, कल से मुझे थोड़ी सी हरारत है। अब भैया है न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न स्कूल ही जाते हैं, यही बैठे हुए हैं। देखो वो कुछ नहीं। उठिए उठिए। तो उठिए। बिमला, ये तुम्हारे भैया का है ना? जी हाँ। ये लीजिए और ये लीजिए, आइए जाइए। अब जल्दी नहा कर आइए। मैं देखती हूँ कि आपकी देखभाल के लिए अब किसी को आपके साथ हरदम रहना चाहिए। जाइए जाइए जाइए। बिमला बहन, इनका खाना कहाँ है? नीचे रसोई में। ओ ये आप क्या कर रही हैं? आइए आइए बैठिए, खाइए खाइए। बड़ी अजीब सी बात है कि दो ही दिन की मुलाकात में आप ऐसी घुल मिल गई हैं कि मालूम होता है आप इसी घर की हैं। हाँ, हो सकता है।
हाँ, ये लो रमेश की दूसरी चिट्ठी। आप कहाँ तक नौबत पहुँची? लिखता है, मेरे दोस्त, मोहब्बत के सिलसिले में ये मैं दूसरा खत लिख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे दिल का भेद अब मुझ पर खुलता जा रहा है। दिल को एक नई जिंदगी मिल गई है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा, और यही वो चीज है जिसके बिना मेरी जिंदगी अब तक बदमजा थी। यह नहीं कि उसके आ जाने से मेरा दिल दिमाग पढ़ने पढ़ाने से घबराता है या मेरी बहन की मोहब्बत में कोई फर्क आता है, नहीं, बल्कि मैं देखता हूं कि उसके बिना रमेश की तस्वीर अब तक अधूरी है। अधूरी? क्यों जी, क्या मर्द की जिंदगी उस वक्त तक अधूरी ही रहती है जब तक उसके दिल की प्यारी उसे मिल नहीं जाती? बेशक, मगर तुम्हें इसकी क्या तमीज, तुम्हें तो मैं सस्ते मिल गई हूँ ना। रामू, क्या है मास्टर जी? ये लो चिट्ठी, अपनी जीजी के हाथ में देना और किसी को मत देना, समझे? अच्छा। हाँ। अरे कहाँ आया, अभी आया। बस शैतान कहेगा, क्या रे? ये चिट्ठी आपकी नहीं है। अबे दिखा, चिट्ठी आपकी नहीं है, बंदर कहेगा। आज बागीचे में मुझे 2 बजे दोपहर को मिली है, 2 बजे, शैतान कहेगा। अरे सर, किताब में क्या है? तेरा 2 बजने में अब भी आध घंटा बाकी। अरे आध घंटा बाकी तो क्या है, तेरा पहले ही चले। भैया कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ, उस दिन वो लड़की आई थी ना, वो? हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छी है। बस उसी के किसी काम के लिए जा रहा हूँ। ओ वो देखिए, वही तो। कौन? तुम ही हो, 2 बज गए जरूर, तुम ही हो। तुम्हारे प्यारे प्यारे नाजुक पांव की आहट बता रही है, तुम ही हो कृष्णा। सुन लिया, अभी और देखिए। चुपो ना चुपो ना चुपो ना, चुपो ना चुपो ना वो प्यारी सजनिया, हमसे चुपो ना चुपो ना। बाकी रसीली, बाकी रसीली हमारी सजनिया, हमसे छुपो ना छुपो ना, सजन से छुपो ना वो प्यारी सजनिया, हमसे छुपो ना छुपो ना। मिलने को आए हैं, मिलने को आए हैं आकर मिलो, नैनों से नैना मिला कर मिलो। देखो बनो ना, ना हमको बनाओ, रूठी हुई हो तो, हाँ रूठी हुई हो तो अब मान जाओ। भोली सूरतिया, भोली सूरतिया दिखा दो मोहनिया, हमसे छुपो ना छुपो ना, सजन से छुपो ना ओ प्यारी सजनिया, हमसे छुपो ना छुपो ना। कैसा सुहाना समय है दिलारा, बिछड़े हुए दो दिनों का सहारा, कैसा सुहाना समय है दिलारा, बिछड़े हुए दो दिनों का सहारा। ऐसे में आवो, ऐसे में आवो जरा गुनगुना दी, सोई हुई किस्मतों को जगा दी। रम 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 रम, रम 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 रम,
जाती हो मेरी भजनिया, हमसे छुपो ना छुपो ना, सजन से छुपो ना होगा। नमस्ते नायब जी, हमें इसका जवाब देना होगा। आप भी जैसे समझ रहे हो कृष्णा, गजब हो गया, तुम्हारे पिताजी को सब मालूम हो गया। मैं जानती हूँ, पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ। क्यों? ये मैं नहीं जानती, आइए मेरे साथ घर चलिए। लोग हाँ, आज मेरा जन्मदिन है ना। ओ आपको बड़े बाबू बुला रहे हैं। जिम्मेदार बाबू? जी हाँ। हाँ आप बैठो बैठो। तो तुम पंडित बद्रीनाथ के लड़के हो? जी हाँ। पंडित जी न्याय शास्त्र के बड़े ही विद्वान थे। जी हाँ। 30 वर्ष से मैं मुतवातर शहर में रहता हूँ, इसलिए गांव की बातें जरा कम जानता हूँ। जी हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है, ये बात तो पक्की है कि अगर तुम्हारे साथ मेरी लड़की के ब्याह की बातचीत की जाए तो तुम दोनों को कोई इतराज नहीं हो सकता। अच्छा, मैं खुद ही ये रिश्ता तजवीज करता हूँ। कुछ कहना है? देखिए, दुनिया में सिवाय छोटी बहन के मेरा और कोई नहीं। उसने आपकी लड़की को देखा है और जिस दिन से देखा है उन्हें वो बहुत चाहती है, दिल से प्यार करती है। उसे जब मालूम होगा कि उसकी भाभी बनेगी और हमारे घर में आके रहेंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि तुम्हारी बहन मेरी लड़की को इतना प्यार करती है। लेकिन हाँ, रहने सहने के बारे में ये है कि ब्याह के बाद कृष्णा तुम्हारे घर जाकर नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हें हमारे घर में आकर रहना होगा। वो क्यों? इसलिए कि मेरी लड़की बड़े लाड प्यार से पली है, हमेशा धन दौलत से खेलती रही है, और तुम्हारी माली हालत ऐसी नहीं जिससे मैं ये समझूं कि मेरी लड़की तुम्हारे यहाँ जाकर सुखी रहेगी। तो आपका ये ख्याल है कि इसमें कोई बेइज्जती नहीं? कुछ नहीं, हर ऊंचे घराने में यही होता है। तो आपका ये मतलब है कि मैं और मेरी बहन दोनों आपके यहाँ आकर रहें? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई सारे कुनबे को साथ लेकर नहीं आता। तुम्हारी बहन तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर रहे। ओ, और मैं आपके दौलत खाने में आकर रहूँ? हाँ, यहाँ की हर चीज तुम्हारी होगी। ठीक है, लेकिन सुनिए, शादी हो या ना हो, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि वो शख्स जो मुझे इस किस्म का वैश्याना मसला दे कि मैं तो रहूँ ऊंचे ऊंचे महलों में और मेरी बहन किसी और जगह रहे, काश के ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात ना होती। रमेश बाबू, और ये भी सुन लीजिए, जितने आप लोग अमीर हैं उतने दिल के छोटे भी हैं। रमेश, आपने जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपकी लड़की को कोई दोष नहीं देता। हाँ, अगर किसी दिन इस काबिल होऊंगा कि आपकी लड़की के लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं तो जरूर हाजिर होऊंगा, लेकिन इस वक्त एक मिनट के लिए मैं ऐसी जगह ठहरने को तैयार नहीं हूं जहां की मेरी बहन को मुझसे जुदा करने का ख्याल तक भी किया जाए। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ, मेरा ये आखिरी फैसला है।
बाबूलाल की दुकान से जो कपड़ा मोल लेने के लिए तुमने कहा था ना, तो उससे मैं कुछ नहीं लाई। उधार तो वो जरूर देता है, मगर जब मैं गई तो कमबख्त कहता है कि खरीद तो रही है मगर तेरा भैया वक्त तो पैसे भी दे सकेगा। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने भी आज इसे दिल खोल कर सुनाई और खूब लड़ी। और वो चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन भैया वो बुढ़ा माधव है ना, वो बहुत अच्छा है, उधार तो वो नहीं देता। मगर भैया वो हमेशा सबसे यही कहता है कि गांव भर में अगर कोई दिल वाला है तो रमेश बाबू, दिल का राजा है राजा। भैया जब पैसे होंगे ना तो मैं उसे क्या क्या खरीदूंगी। और वो चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं। भैया तुम खफा हो गए कि मैं बाबूलाल से लड़के आई हूँ, बोलो बोलो भैया। वो चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं, अपने से अलहदा कर दूं। ये तुम क्या कह रहे हो? प्रेम, मोहब्बत, जो कुछ भी सही, दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी बहन को जुदा नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं। पिताजी, पिताजी, क्या इसीलिए वो वहां से बिगड़ कर चला है? हाँ बेटा। आपने मुझे पहले क्यों ना बताया, पहले क्यों ना बताया, पहले क्यों ना बताया? बेटी परमात्मा ही जाने वो क्यों एकदम यहाँ से चला गया। कहता था कि चाचा इस दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ है, आदमी का कोई मान नहीं। और कहता था कि चाचा अब तो धन दौलत ही कमाकर वापस लौटूंगा। कलकत्ते चले गए। हाँ, शंकर लाल के वहाँ ठहरा होगा। कलकत्ते चले गए। शंकर, अपनी वो ख्याली दुनिया के मैं शादी करूंगा, प्रेम करने वाली स्त्री घर में लाऊंगा, ये होगा वो होगा, आज सब खत्म हो गए। दिल की आरजुएं, हसरतें सब दिल की दिल में ही रह गई। भाई माफ करना, मैंने तुझे खामखा रोक रखा है, जाओ अंदर जाओ, बहुत रात हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठो। नहीं भाई जाओ, भाभी नाराज होगी, वो इंतजार कर रही हूँ। बेचारा रमेश, उसके दिल में सिर्फ एक ही अरमान था कि मेरी तरह वो अपना घर आबाद करे, जिंदगी का सुख उठाए। मगर आज उस बेचारे की सारी आशाएं टूट गई। न जाने ये आसमान उससे क्यों दुश्मनी कर रहा है। हाय किस बुत की मुहाबत ने गर्फदा Thank you.
लता दिल उसको लुटा दी हमने किस लिए दौलत दिल उसको लुटा दी हमने आप ही अपने पे मायल पिंदा घुट के मर जाए यही दिल में है हसरत बाकी घुट के मर जाए यही दिल में है हसरत बाकी मुद्दतें गुजरी हैं बे यारों मदद आरंभ में मुद्दतें गुजरी हैं बे यारों मदद आरंभ में कोई जरूरत नहीं मैं खुद ही आ रहा हूँ लो भाई रमेश तुम्हारा काम बन गया वो क्या तुम कहते थे कि एक स्कूल मास्टर को मिल ही क्या सकता बहुत कोशिश की जाएगी तो एक क्लास की नौकरी कहीं मिल जाएगी ठीक है मगर दोस्त अब तुम्हें अपनी सुरीली और मधुर आवाज को बेचना होगा तैयार हो जाओ सुरीली और मधुर आवाज को बेचना होगा हाँ यानी अब स्कूल मास्टर से मुझे गवैया बनना पड़ेगा अरे भाई तुम्हें जमाने को देखना चाहिए इस जमाने में जो चीज पैसा लाए उसी की कदर है मुझे को देखो एक वक्त था कि मैं सच्चाई को सबसे अच्छा समझता था लेकिन अब मैं वकील हूँ झूठ सच मिलाकर एक कातिल को भी फांसी पर से छुड़ा कर लाता हूँ ताकि हम अच्छे से अच्छा खाएं अच्छे से अच्छा पहने और सब में शरीफ कहलाएं आजकल इसी का नाम दुनिया है समझे अच्छा भाई तुम्हारी नौकरी के लिए मैं अभी अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ लेकिन वो मकान का क्या हुआ वो भी बंदोबस्त कर लिया है घबराओ नहीं जोगी कपड़े लाओ मगर तुम जा कहां रहे हो द ग्रेट मेट्रोपॉलिटन ऑपेरा द ग्रेट मेट्रोपॉलिटन ऑपेरा परिंदे रहते नित सोच से सोच मिला कर अपनी प्रेम कहानी करते हसती हसती बसती इस दुनिया में एक रोज शिकारी आया जिसने जिसने जल कर उन दोनों पर कुछ ऐसा तीर चलाया ये मस्ती भरी जवानी ये रूप रंग
आशा सा लाता, दिल में अमृत बरसाता। जब चार जवानी बीत, तब कहें ले मन के मीत, बस परे 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 ना ढूंढल कोई अपने जैसा यार, ये मतलब का संसार, ये मतलब का संसार। कुछ को जीने का तत्का, कुछ को जीने के लारे, या पानी दूध के भाव बिके, मछली सोने के मोल, शंकर को पूजे शंकर सा ठुकराय रतन अनमोल। नित नई क्या बात है, क्या बात है मिस रेखा, क्या बात है, तुमने तो इस दफे कमाल कर दिया है। तुम देख लेना कि मैं इस तमाशे से 2,00,000 रुपया कमाऊंगा। सर शंकर 2 मिनट में आया जी। हाँ शंकर, हेलो हेलो। अरे यार तुम तो गूलर का फूल हो गए हो। सिगार। थैंक यू सर। कहो भाई कैसे आना हुआ? सेठ मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा तो क्या वो मेरी कंपनी में मुलाजिमत करना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, लेकिन माइंड यू तुम्हें याद रखना चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन ओपेरा कंपनी सिर्फ उन आदमियों को मुलाजिम रखती है जिनको कुदरत ने खूबसूरत गला और बेहतरीन आवाज अता की हो। हाँ हाँ, हाथ कंगन को आज से क्या, इम्तिहान ले लो। ठीक है ऐसा ही होगा हुल्लड़ साहब। अच्छा भाई मैं चला। ओके भैया, हम गांव से एकदम क्यों चले आए? पहले तो तुमने नहीं कहा था। अरे कभी गांव से बाहर जाना चाहिए, वहाँ हमेशा रहना ठीक नहीं। अच्छा भैया, वो जो एक दफे तुमसे मिलने आई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात हुई भैया, चलते वक्त वो हमसे मिलने भी नहीं आई? रमेश। हाँ आ शंकर भैया। हाथ मार दिया दोस्त, हाथ मार दिया। क्या? सुनो मैं अभी मेट्रोपॉलिटन कंपनी के मालिक से मिलकर आ रहा हूँ, कल सुबह 10 बजे तुम्हें उनके पास जाकर अपना गाना सुनाना हो, समझे? मगर दोस्त कपड़े जरा माकूल पहन लेना। क्यों, क्या मैं नामाकूल कपड़े पहनूं? नहीं भाई नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि कपड़े जरा और भी साफ सुथरे हों तो बहुत अच्छा। साफ सुथरे? हाँ अभी लो बिमला, निकालना तो मेरा वो जरा धोती कुर्ता। ठीक है ब्रदर, सब ठीक है। अगर मैं सवेरे 5 बजे उठूं और कपड़े धोऊं तो 7 बजे तक सूख सकते हैं, 8 बजे उन पर इस्त्री भी हो सकती है, 9 बजे 9 बजे साफ सुथरे कपड़े पहनकर रमेश बाबू ठीक 10 बजे मालिक कंपनी के पास दंदनाते हुए मुलाकात के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक है ना?
विमला, ऐसी सर्दी में इतनी रात गए तुम्हें कपड़े धोने को किसने कहा? ठीक है भैया, मुझे काम करने दो। और वो कहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूँ। क्या कहा? कुछ नहीं, उठो। लेकिन ये बस, चलो चलो सो यहाँ। खबरदार ऐसा काम फिर कभी मत करना। ये देखा, ठंड लग गई, जुकाम हो गया। चली थी इतनी सर्दी में कपड़े धोने। क्यों ब्रदर, कहो तैयार हो? बिल्कुल, देखो एकदम फिट फाट। बस ठीक है भैया, चिट्ठी आई। ठीक है, कृष्णा की चिट्ठी। मुझे मालूम हुआ है कि हमारी शादी में जिस चीज ने रुकावट डाली वो बिमला का सवाल था कि वो कहाँ रहेगी। पिताजी अगरचे अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि शादी इसी शर्त पर होगी कि शादी के बाद आप हमारे घर में रहें, लेकिन आप एक बार आकर मुझसे मिल जाएं। मैं और उनके घर में रहूं, और वो भी बिमला को अकेला छोड़कर। शंकर, ये बात बिमला को मालूम न होने पाए कि ये सब झगड़ा उसी के कारण है। मैं आज ही और अभी कृष्णा को भी लिख के देता हूँ कि जब तक मेरा खत न जाए वो मुझे खत न लिखे। हे शिव शंकर, मेरे भैया नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनका काम बना दो, बना दो। बिमला जी, आई। मैं जा रहा हूँ, घर में जरा होशियारी से रहना। भैया शिव जी का प्रसाद से लेते जाओ। ओ। शंकर भैया, बिमला का जरा ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ऑलराइट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड लक। हाँ, मुझे पहचाना? ओ, आपको? आपको भला मैं कभी भूल सकता हूँ? आपने तो मुझ पर रहम खाकर अपना खून देकर मेरी बहन की जान बचाई थी। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा रमेश बाबू, आजकल खून देना कोई रहम की बात नहीं, अब ये काम बहुत बाकायदा हो गया है। ओ, वो देखिए, ब्लड बैंक। हाँ, यही वो बैंक है जहाँ लोग रुपए पैसे की बजाय अपना खून मुफ्त पेश करते हैं। अच्छा, आप देखिए। हाँ हाँ, आइए अंदर चलिए। नाम? लोकनाथ कपूर, एट स्टोन। उम्र? 32। यहाँ ये लोग खून देने के लिए अपना नाम लिखवा रहे हैं। ओ, ये वो जगह है जहाँ खून लिया जाता है। ओ। एक अच्छी सेहत वाला इंसान 200 से 300 सीसी तक आसानी के साथ खून दे सकता है। ये लोग खून दे चुके हैं, अब यहां आराम कर रहे हैं। मिस्टर चैटर्जी, खून देने वाले को बेच दिया जाता है। आइए, मैं अब आपको दिखाऊं कि खून कहां कहां से गुजरता है। चलिए। ये खून अब ग्रुप टेस्ट के लिए जा रहा है, जहां थोड़ा सा रख लिया जाता है और बाकी सब खून कोल्ड स्टोरेज यानी एक बहुत ही ठंडी जगह रख दिया जाता है। साइंस के नए तरीकों से इस खून को पाउडर की शक्ल में ले आते हैं। जरूरत के वक्त इस पाउडर बने हुए खून को डिस्टिल वाटर में घोलकर मरीज के जिस्म में पहुंचा देते हैं। इस खून को पाउडर की शक्ल में इसलिए लाते हैं ताकि ये अरसे तक महफूज रखा जा सके। और ये है इंसान की बेगरज देन, अपने भाइयों की जान बचाने के लिए। तवारीख ये बताती है कि इंसान लालच का बंदा बनकर हमेशा मांगता और लेता ही आया है, इसलिए मैं जब कभी और कहीं भी इसकी बेगरज देन देखता हूँ तो दिल में उम्मीदें बन जाती हैं। आप फिलोसफर हैं? जी नहीं, मैं एक स्कूल मास्टर था और बच्चों को तवारीख पढ़ाना ही मेरा काम था, और मैं हमेशा उनसे कहा करता था कि बच्चों, एक जमाना ऐसा आने वाला है कि जो पिछले जमाने से और अब के जमाने से कहीं बेहतर होगा। माफ कीजिएगा, आपने अब तक जो कुछ भी कहा वो यही कि आप ये थे वो थे, लेकिन आप ये तो फरमाइए कि आप अब क्या हैं? अब कितने बजे होंगे? 10:30। 10:30, मुझे बहुत देर होगी, माफ कीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। मैं आ सकता हूँ? आप कौन साहब है? देखिए, मुझे मेरे दोस्त शंकरलाल जी ने आपके पास
ओ, आप ही वो है। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, आइए यहाँ आइए। माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर हो गई। अरे देर सवेर को छोड़िए, नाटक का वक्त छोड़कर यहाँ कोई टाइम की पाबंदी वाबंदी नहीं, समझे आप? सब तबीयत पर अपनी मौकूफ है। अगर तबीयत मौज पर है तो रात भी दिन है, और अगर तबीयत मौज पर नहीं तो भाई दिन भी रात है, समझे आप? आइए, मैं आपको सब लोगों से मुलाकात करा दूं। आइए। यस सर। ये हमारी कंपनी के कास्टिंग डायरेक्टर, आप हमारी कंपनी में मुलाजिमत करना चाहते हैं, आप जरा इनको देखिए। देखो देखो राम, हाँ वनवास के बाद का राम हो सकता है, और अगर जरा सी दाढ़ी लगा दी जाए तो अली बाबा बन सकते हैं, अर्जुन हाँ, फरहाद मजनू परफेक्टली ओके, और अगर जरा सी मूछे लगा दी जाए तो तानसेन, ओ हाँ सेठ, ये गाना गा सकते हैं? हाँ, कहते तो हैं ये कि हम गाना गा सकते हैं। ओहो, तो फिर क्या कहने, आइए आइए आइए। ए केशव, हारमोनियम, गर्ल्स तुम लोग आराम करो। कौन सा गाना गाऊं? अरे भाई यही इश्किया कुछ प्रेम में डूबा हुआ। आए किस बुत की मुहार, बात में कर पुकार, मैं नहीं गा सकता, मुझसे नहीं गाया जाएगा। क्या हुआ भाई? मैं एक स्कूल मास्टर, मैंने ये जरूर कहा था कि मैं रुपया कमाना चाहता हूं, तो मुझे रुपये की जरूरत भी है, तो मुझे कमाना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जरा ठहरिए, मुझे सोचने दीजिए। नहीं 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 मिस्टर रॉबर्ट, वो किसी रुख से एक्टर नहीं बन सकता। अरे सेठ, अगर वो कभी एक्टर बन जाए तब तो मैं पूरे हिंदुस्तान का हीरो बन जा सकता हूँ। हीरो नहीं, हीरोइन। सेठ, इन्हें रख लो। उन्हें? हाँ, उनका दुख भरा चेहरा, उनकी दर्द भरी आवाज बता रही है कि अगर वो जरा भी एक्टिंग कर सके तो दुनिया में उनसे बढ़कर कोई एक्टर नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, उनके सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। इस वक्त वो डरे हुए हैं सेठ, तुम जाकर उनका दिल बढ़ाओ। तुम बातें खूब बना सकते हो, जाओ उनसे बात करो, मैं भी आती हूँ। जाओ। माय डियर, तुम डर गए? अरे भाई डरने की इसमें कौन सी बात है? बैठो बैठो यहाँ बैठो। अरे मियाँ, तुम तो पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, लो सिगरेट पियो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिंदगी का नाम ही नाटक है। हम यहाँ जीवन के दुख और सुख का गाना अलापते हैं, नेकी का बोलबाला और बदी का मुंह काला करके दिखाते हैं, और क्या। तो क्या आप समझते हैं कि मैं यहाँ काम कर सकूंगा? यकीनन, जरूर जरूर। सेठ, यकीन साहब ने इतनी सुरीली और मधुर आवाज में गाना शुरू किया था। यही यही। ओ, हाँ। हमारी कंपनी में क्या ये काम करेंगे? हाँ, हाँ। कितनी सुरीली आवाज। आप काम करेंगे? अच्छा, आप ही बताइए, क्या मैं काम कर सकूंगा? अगर आप नहीं करेंगे फिर भला कौन कर सकेगा? आप सच फरमाती हैं? बिल्कुल सच। लेकिन मैं तो सेठ, हाँ, एक्टिंग का भी इम्तिहान ले लो। हाँ हाँ हाँ, आओ भाई आओ, जाइए।
बेशक तुम्हारे सामने कोई नहीं ठहर सकेगा। मैडम रेखा की गाड़ी। मैडम रेखा की गाड़ी। आइए मैं आपको घर छोड़ती जाऊंगी। जी नहीं, इसकी कोई खास जरूरत तो है नहीं। कोई बात नहीं, आइए। आइए। यहाँ? हाँ हाँ, जब हम दोनों को अब एक ही जगह काम करना है तो फिर क्यों ना हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें और आपस में घुल मिल जाएं। लेकिन कोई हर्ज नहीं, चाय पी कर जाइएगा। आइए। आइए, यह है मेरा गरीब खाना, आराम से बैठिए। मीनू, मैं एक मिनट में आती हूँ। मीनू, चाय लाओ दो के लिए। थिएटर में आपने बहुत अच्छा गाया। खाइए। खाइए। जी नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, मगर बात यह है कि मेरी एक छोटी बहन भी है जो घर में बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं कभी कुछ नहीं खाता जब तक कि वो मेरे साथ नहीं खाती। ओ। इन बातों को दुनिया अक्सर पसंद नहीं करती और मुमकिन है शायद आप भी पसंद ना करें। दुनिया पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं इसे पसंद करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि जिनके दिल इन बातों से खाली हैं, उनकी जिंदगी ही बेकार है। ये आप कहती हैं, शुक्रिया। बिबला सो गई? नहीं तो आज मुझे खामखा देर हो गई। आज मैं कुछ पका नहीं सकी भैया, जो कुछ घर में था वही पका लिया। क्यों, ये बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, अमृत है ये तो। ये लो खाओ। हाँ हाँ हाँ, वाह। भला देखिए तो, मान करने की भी एक हद होती है। कृष्णा ने रमेश को एक चिट्ठी लिखी, जवाब में लिखता है कि आप मुझे कभी चिट्ठी ना लिखना। मैं सब जानता हूँ, आज उसे मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। वो नहीं जानता रामू की माँ के किराए की उस पर डिग्री हो चुकी है। मैं आज उसके मकान पर कब्जा करता हूँ। नायब जी आए? सरकार, बैनर साहब आ गए हैं आपकी दया से। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद वहाँ पहुँच कर उसके मकान पर कब्जा जमा लूँ। हाँ जाओ, आपकी दया से। अमर सिंह, लाल बहादुर। नायक जी,
माना कि रमेश पर किराया बाकी है, मगर वो बेचारा तो किसी को धोखा देने वाला नहीं। उसे एक बार मौका दीजिए, वो एक एक पैसा आकर आपका चुका देगा, समन दबाकर डिग्री ले लेगा। अरे छोड़ चौधरी, अब इन बातों में क्या धरा है। बड़ा कहता था सरकारी कानून भी कोई चीज है। अरे हमारे जमींदार बाबू से मुकाबला, हाथियों से गन्ने खाने चला था। चलिए बैठो साहब, आप भी जाते। देवी, मैं तो आपके पिताजी के हुक्म से यहाँ। पिताजी से जाकर कहो अगर वो मेरी कुछ भलाई चाहते हैं तो इस काम को बंद करें। लेकिन बस जाओ। आपकी दया से सरकार, आपकी दया से मैंने तो वहाँ पहुँचते ही पूरे मकान पर कब्जा कर लिया, और आपकी दया से मैं तो सब चीजें भी कुल कर लेता, मगर आपकी दया से मजबूर हो गया सरकार। क्यों, क्या हुआ? आपकी दया से मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, आपकी दया से कृष्णा देवी मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी कि पिताजी से जाकर कह दो अगर वो मेरी भलाई चाहते हैं तो ये काम फौरन बंद कर दें। हैं? तो आपकी दया से मैं सीधा वहाँ से। कृष्णा? जी हाँ। मेरी बेटी कृष्णा? जी हाँ, आपकी दया से। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। जी पिताजी। बेटा, मैंने सुना है कि नायक को तुमने जाकर रोक दिया। जी हाँ। क्यों, किस लिए? नायक, नायक जी, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। जी हाँ, आपके लिए से। और मैं भी बेवकूफ हूँ। जी हाँ, कृष्णा ने जो कुछ किया ठीक किया। हम लोग ये बात तो भूल ही गए थे कि वो जालिम अभी तक उसके दिल में बसा है। हमको ये कार्रवाई फौरन बंद करनी चाहिए। जी हाँ। देखिए, कृष्णा एक बार कलकत्ते जाना चाहती है। मैं समझती हूँ शायद वो उससे मिलने के लिए जा रही है। जा सकती है, मगर मेरा फैसला अटल है। जब तक रमेश की माली हालत अच्छी ना हो, या तो वो दोनों मेरे पास रहें, और या कृष्णा हमेशा के लिए उसको भूल जाए। जी हाँ, आपकी जैसे। प्यारी कृष्णा, वो दिन अब दूर नहीं कि अपने और तुम्हारे ब्याह के लिए मैं तुम्हारे पिताजी के पास आकर प्रार्थना करूं। मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा कि ब्याह के बाद उनकी कृष्णा को मेरे साथ रहकर अब किसी तरह की तकलीफ ना होगी। गांव से चलते वक्त मेरा दिल इतना चूर चूर हो गया था कि मैं तुमसे मिल भी ना सका। तुम कुछ ख्याल ना करना कृष्णा, जीवन में अगर किसी को इस दिल ने चाहा और प्यार किया है तो वो तुम हो। हेलो मिस्टर रमेश। आइए आइए। आप घर नहीं जाएंगे? जी हाँ, जाऊंगा। तो आइए। मगर आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों करती हैं? रोज गाड़ी में ले आना ले जाना। ओह छोड़िए, आइए। अच्छा बहन, ये तो बताओ भैया को मालूम है कि तुम आई हो? नहीं, मैं सीधी चली आ रही हूँ। ओह हाँ, अजीब बात है, जब हम गांव से चले थे तो तुम हमसे मिलने भी नहीं आई। हाँ, मुझे भी अफसोस है, लेकिन अगर कोई मुझे ना बताए तो मैं क्या कर सकती हूँ। समझी, तो तुम इसीलिए नहीं आई? मैं भी कहूँ कि तुम क्यों नहीं आई? ये उनका कोट है। हाँ लाओ, मैं साफ करूँ। क्यों बिमला, तुम्हारे भैया कभी भूले से भी मुझे याद करते हैं? क्या बताऊं, उन्हें काम ही बहुत रहता है, मगर हाँ वो तुम्हें याद जरूर करते हैं। मैं बराबर देखती हूँ, वो कुछ खोए खोए से रहते हैं। ओह, ये किसकी तस्वीर है? मालूम नहीं, लेकिन भैया इनकी बहुत तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा नाचती हैं। ओ, और भैया की बहुत दोस्त भी हैं। दोस्त? लो भैया आ गए। ओ, तुम ठहरो, मैं जाती हूँ।
शुक्रिया, आपको मेरे लिए बहुत तकलीफ हुई। रमेश बाबू फरमाइए। शुक्रिया। तो इसीलिए मुझे चिट्ठी लिखने को रोका था। कृष्णा, अरे सचमुच कृष्णा। कृष्णा तुम यहाँ? जी हाँ, मैं यही देखने आई थी कि यहाँ आकर आपने कौन सा नया सुख का संसार बसाया है, कितने महल खड़े कर लिए हैं और कौन सी नई सोने की चिड़िया आपने फांसी है। कृष्णा ये बातें तुम्हारे पिताजी कह सकते थे, तुम्हें शोभा नहीं देती। हाँ मेरे पिताजी ने आपको पहचाना, मैंने नहीं। कृष्णा जी तुम कह रही हो? क्यों नहीं, मैंने देख लिया आपकी हर बात में झूठ है। कृष्णा फरेब है। कृष्णा धोखा है। कृष्णा मेरी हर बात में फरेब है, झूठ है, धोखा है। प्यारी कृष्णा जीवन में अगर किसी को इस दिल ने चाहा है और प्यार किया है तो वो तुम हो। भैया जमींदार बाबू की लड़की आई हुई है, तुम मिले? मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। हाँ बड़ा अफसोस कर रही थी कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, वरना वो हमसे चलते वक्त जरूर मिलने आती। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। शट अप। बिमला मुझे माफ कर दे। बिमला मैंने तुझ पर गुस्सा नहीं किया, तुझ पर नहीं, लेकिन उसका जिक्र अब मेरे सामने कभी ना करना। कृष्णा क्या हुआ बेटा, क्या बात है? पिताजी पहले की निस्बत आज वो शायद बहुत अच्छी हालत में है, उनके पास पैसा भी है, आराम भी है, सभी कुछ है, मगर अफसोस मेरे लिए उनके पास कोई स्थान नहीं। माय डियर तुम्हारी जिंदगी का जो नया दौर शुरू हुआ है यानी मोहब्बत, उसे सुनकर एक आदमी बहुत खुश हुआ। वो कौन? मेरी स्त्री। वो कहती थी कि जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए ये जरूरी है कि औरत किसी से भी मोहब्बत करे। उन्होंने ठीक ही कहा सेठ, एक औरत को एक्ट्रेस बनकर नाम शोहरत रुपया पैसा सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर मोहब्बत और अपने प्रेमी की सेवा करना उसे नसीब न हो तो उसके जीवन बिल्कुल बेकार है। लोग कहते हैं कि एक्ट्रेस के सीने में दिल नहीं होता, गधे कहीं के। माय डियर एक बात का ख्याल रखो, मोहब्बत करो लेकिन चुपके चुपके। दफ्तर वाले समझ गए हैं कि कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस रमेश के ऊपर लट्टू हो गई है। वो कैसे समझ गए? अबे दुनिया में मोहब्बत एक अजीब चीज है, लोग इसके ऐसे भूखे हैं कि इधर इसके चूल्हे पर मोहब्बत की हंडिया चढ़ी और लोगों के पेट में चूहे दौड़ने लगे। सारा काम छोड़कर कान अपने उसी तरफ लगा देते हैं और फिर वो मजे ले लेकर बातें बनाते हैं कि मैं तुमसे क्या कहूँ। बातें बनाते हैं? हाँ बनाने दो। ओ हाँ तो तुम इस कंपनी में काम करना चाहते हो? आए जी हाँ। हाँ हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं है, खूबसूरत हो, कमसिन हो और तुम्हारा कहना यह है कि तुम गा भी सकते हो बहुत खूब। हाँ जी कोई बात नहीं, खूब ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्त
सिर्फ गुनी होने से काम नहीं चल सकता, किसी की सिफारिश भी होना चाहिए, और सिफारिश भी किसी ऐसे की जो तुम्हें दिलो जान से चाहता हो, चाहती हो चाहता हो नहीं। हमारे रमेश को देखो कैसा गुनी, कितना अच्छा गला पाया है, फिर भी जब वो यहाँ आया हम सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे, किसी की नजर में भी वो काम के काबिल न था, लेकिन हमारी कंपनी की बड़ी एक्ट्रेस साहिबा उस पर लट्टू हो गई लट्टू। जब उन्हीं ने मालिक से सिफारिश की तब उसे नौकरी मिली है, समझे? हाँ रमेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए मेरे साथ आइए। बैठिए मालती। हाँ, मैंने कविता पढ़ी थी, किसी ने क्या खूब कहा है, प्रेम में पढ़कर प्रेमी बोला नहीं करते, फिर भी दुनिया उनकी आवाज को सुन लेती है। मेरा ख्याल है कि प्रेम का लुत्फ और मजा चुप रहने में है, बोलने में नहीं, इसीलिए प्रेमी चुप रहते हैं, और इसीलिए शायद आप भी चुप हैं। आ? मैं देखती हूँ कि आपकी देखभाल के लिए अब किसी को आपके साथ हरदम रहना चाहिए। लाइए मैं आपकी टाई ठीक कर दूँ। ठीक है, मैं अपने आप ठीक कर लूंगा। सेठ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आदमी को बाहर भेज दीजिए। बाहर जाओ। कहो, क्या आपने मुझे मिस रेखा की सिफारिश से नौकर रखा है? मैं छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है? मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या आपने मुझे मिस रेखा की सिफारिश से नौकर रखा है? भाई बात तो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन तुम भी तो गुनी आदमी हो। मैं इस्तीफा देता हूँ। हाँ? मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं काम नहीं करूंगा। मैं क्या पागल हो गए हो? क्या बात है सेठ? और सिफारिश करो और उसके साथ चुपके चुपके बातें करो, वो तुम्हारी सिफारिश को भी अपनी बेइज्जती समझता है। सत्ती कहीं का। शंकर भैया, तुमने मेरे लिए सभी कुछ किया, मगर मेरी किस्मत में कुछ ना था। ये मैं मानता हूँ कि एक स्कूल मास्टर गवैया बन सकता है, और मगर इज्जत के साथ, और हर काम हर बात इज्जत के साथ होनी चाहिए, और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रमेश काम नहीं कर सकता। हाँ, एक बात और, बिमला को ये मालूम न होने पाए कि मैंने नौकरी छोड़ दी, उसको दुख होगा। अच्छा, मैं जाता हूँ। इज्जत इज्जत इज्जत, ये इज्जत एक दिन इसकी जान ही लेकर छोड़ेगी। हायरन, हायरन। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, चलो शेल्टर में चलो। लेने में तुम अपनी बेइज्जती समझते हो? भैया, बिमला, भैया अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, घबराने कोई बात नहीं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। मुझे तुम्हारी चले, कोई घबराने कोई बात नहीं। क्या बात? चलो आओ।
खत्म। अरे खतरा दूर हो गया सेठ, खतरा दूर हो गया, खतरा दूर हो गया सेठ, क्लियर हो गया, बिल्कुल सेठ, बिल्कुल बिल्कुल सब क्लियर। तुम यकीन जानो भाई कि अगर अब की सायरन हुआ तो बम गिरने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। आप कोई परवाह न कीजिए सेठ, मैं तो मौजूद हूँ। भैया घर में पकाने को कुछ नहीं है, तुम्हें बाजार से आटा दाल चावल और घी लाना पड़ेगा। ठीक है। और हाँ थोड़ी सी मिर्ची भी लेते आना। अरे कह तो दिया ठीक है। क्या ठीक है, तुम्हें तो कोई बात ही नहीं याद रहती, दो कदम चले और भूल गए। भूल गए, और तुम्हें सब कुछ याद रहता है, बड़ी आई याद दिलाने वाली। रमेश बाबू आओ बोलो क्या चाहिए। थोड़े से दाल चावल और आटा चाहिए, मगर उधार। उधार और आजकल? ना भाई ना, लोग सब बम के डर से भागे जा रहे हैं और मैं तुम्हारे पैसों का इंतजार करता रहूंगा। अच्छा 15 दिन के वास्ते ले जाओ। बाबू लोग सब भागे जा रहे हैं, तुम अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? अपने गांव? हाँ। रामू की माँ कृष्णा आप कैसी है? क्या बताऊं, उसे तो कोई दिल की बीमारी है, दिल की। ओ, उस कमबख्त रमेश ने जरूर उसके दिल पर कोई कारी चोट लगाई। वो हाँ, उसे जरा दवा पिला दो। लो बेटा दवा पी लो। माँ दो ना। ये लड़का मुझे खाकर छोड़ेगा। अरे बाबा आती हूँ आती हूँ। दवा किसके लिए जब जीवन ही बेकार है। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी प्यारी बच्ची उस जालिम और कमीने के लिए घुल घुल कर इस तरह अपनी जान दे। मैं भी शहर जाता हूँ और कृष्णा का रिश्ता उस कमीने से कहीं अच्छे और ऊंचे घराने में तय कराता हूँ। मुझे यकीन है कि ब्याह के बाद कृष्णा का दिल ठिकाने आ जाएगा। पति अच्छा मिलना चाहिए और उस कमीने से तो कहीं अच्छा बाट ढूंढ कर लाऊंगा। शहर गया तो एक मरतबा उसके मुंह पर थूक कर आऊंगा, कमबख्त कहीं का। सुनते हो, सुना है कि आजकल रमेश बाबू का हाथ बहुत तंग है, पैसे पैसे का परेशान है। तो मैं क्या करूं, मुझ जैसे जिगरी दोस्त से भी रुपया पैसा लेना वो आजकल अपनी बेइज्जती समझता है। एक एक हिले हवाले से रुपया देता हूँ वापस कर देता है। इज्जत 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 तक हफ्ते दिन उसे तबाह करके छोड़ेगा, पागल कहीं का। नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं सुनेंगे, जब आ रमेश का पता नहीं चलता। रुपए ला रुपए, आज हम रुपए लेके जाएंगे रुपए, समझी? इसका भैया बड़ा झूठा आदमी है, मकार है मकार। अभी 15 दिन के बाद एक बार आटा दाल चावल मेरे से उधार ले गया और आज 1 महीना पूरा हो गया, रुपए देने का नाम नहीं लेता, बदमाश कहेगा। देखिए दो एक दिन और, दो एक दिन क्या हो जाएगा, क्या भैया रुपया देगा कहाँ से? इसकी नौकरी ही कहाँ है, वो तो मुद्दत हुई छूट भी चुकी। नौकरी छूट गई? नहीं तो और क्या, ये तो मैं नहीं जानती थी। देखिए इस वक्त भैया घर में नहीं है, आप कल आइएगा। अच्छा हम कल आएंगे, और कल रुपया नहीं मिले तो तेरे भैया के गर्दन पकड़ करके ले लेंगे, समझी? चलो जी चलो 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 जी चलो। तू ही रमेश की बहन है? जी हाँ आपकी दया से। और इसी मुसीबत की आग में तेरा भैया मेरी बच्ची को झोंकना चाहता था है? जी जी तू ही सारे फसाद की जड़ है। मैं? हाँ भाइयों के लिए कोई बहन भगवान होती है और कोई मनहूस, तू मनहूस है। जी हाँ तू मनहूस है। मनहूस? वो क्यों बोलिए, मैं फसाद की जड़ कैसे हूँ बोलिए, बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। तू जानना चाहती है तो सुन, मेरा ख्याल है वो अब नहीं आएंगे। अरे हाँ हाँ मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कहता हूँ माय डियर कि मैंने रमेश को बुला भेजा है, वो आता ही होगा। हाँ उनको बुलाना होगा,
नौकरी छोड़कर उन पर क्या बीत रही है मुझे सब मालूम हो गया है। उन्हें जरूर बुलाओ सेठ, और जिस तरह भी हो सके उन्हें काम करने पर मजबूर करो। हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं वायदा करता हूँ। रमेश बाबू आए हैं। हाँ, देखा आ गया ना, मैं अभी जाता हूँ। आ गए भाई, आओ बैठो बैठो, आराम से बैठो। अरे भाई तुम भी दीवाने के दीवाने ही रहे। अरे भाई मैं स्टैंप पर लिखे देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ही गुण की वजह से मुलाजिम रखा गया है, किसी की सिफारिश से नहीं, समझे? अब तो काम करोगे ना सेठ? हाँ। काम मैं करूँगा। हाँ, हाँ। लेकिन एक शर्त पर। वो क्या शर्त? वो ये कि आपकी कंपनी की मैडम रेखा के साथ मेरा किसी किस्म का सरोकार न रहे। नाटक में काम कर सकता हूँ लेकिन इसकी बुराइयों से अलग रहना चाहता हूँ। अच्छा ये भी मंजूर, लो यहाँ दस्तखत करो, लो ये फलक। Da 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 लो भाई ये रुपए लो। शुक्रिया, मुझे इसी चीज की जरूरत है। सेठ राजी हो गए? हाँ हाँ। और क्या कह रहे थे? और कोई खास बात तो नहीं? मैंने सब सुन लिया सेठ। सब सुन लिया। रेखा ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विमला विमला देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। विमला कहां चली गई? विमला विमला प्यारे भैया, मैं नहीं जानती थी कि मेरे कारण तुम इतना दुख सह रहे हो। मैं जा रही हूँ, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करें। ये हार छोड़े जाते हुए शायद तुम्हारे काम आए। तुम्हारी बहन विमला। विमला चली गई मुझे छोड़कर? नहीं नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रमेश ये सुनकर बड़ी खुशी हुई दोस्त कि तुमने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। शंकर विमला चली गई मुझे छोड़कर, वो मुझे सुखी बनाने के लिए मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके बगैर सुखी नहीं रह सकता। शंकर मेरा लाल, मेरा सहारा, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी ही भलाई के लिए मुझे छोड़कर चली गई, मेरी ही भलाई के लिए। थिएटर में चलो रमेश, थिएटर में चलो। शंकर मेरा ख्याल है मैं नहीं जा सकूंगा। अरे तुम घबराते क्यों हो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ, मगर इस मौके को तुम हाथ से मत खो। परमात्मा ने चाहा तो आज रात को तुम स्टार बन जाओगे। स्टार? स्टार? हाँ हाँ। अरे आओ भाई आओ, आज तो तुम्हारा ही दिन है। सेठ आपने एक दिन कहा था कि नाटक में जिंदगी के दुख सुख का गाना गाया जाता है। हाँ। तो आज यही होगा। इसकी बहन का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं। आखिर गई कहाँ? तो किसके साथ है बेटी? अरे भाई ये बच्चे किसके साथ है? किसके साथ है ये बच्चे? किसके साथ है? तू कहाँ जाएगी बेटिया? तू कौन है? ये तो बुखार है। बुखार? हाँ। तू घर से भाग कर आई है? बता बेटी, तू घर से भाग कर आई है? बता बेटी बता। है ना, डर गई। ऐ कातिब-ए-तकदीर मुझे
इतना बता दे ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी मुझको फकत दर्द रंज गऊं, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। हिस्से में सबके आई हैं, हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें, पदपंक्तियां लेकिन मुझे शीशे में उतारे पीते हैं, पीते हैं लोग रोज शब मुसरतों की, मैं हूँ के सदा खून जिगर मैंने पिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। था जिनके दम कदम से ये आबाद आशियां, वो चह चहाती बुलबुलें जाने गई कहां, जुगनू की चमक है ना सितारों की रोशनी, इस धूप अंधेरे में है मेरी जान पर बनी, क्या थी, क्या थी खता के जिसकी सजा तूने मुझको दी, क्या था, क्या था गुनाह के जिसका बदला मुझसे लिया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। तुम तो एक रात के साथ में देखो देखो तुम्हारी सब छोड़ बचा, आओ अब मुझे इन बातें क्या पड़ रहा है। तो आप मेरी बहन का पता नहीं लगा सकते? होश से काम लीजिए, इतने बड़े शहर में जहाँ 40 लाख की आबादी हो, अगर वहाँ एक छोटी सी लड़की गुम हो जाए तो आप ही बताइए हम भला कैसे कह सकते हैं कि मिलेगी या नहीं। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि मिलेगी या नहीं, क्योंकि वो मेरी सब कुछ है ना, सब कुछ। Thank you.
कहाँ है? अपनी बहन को ढूंढने के लिए पागलों की तरह स्टेशन से निकलकर चला गया। सायरन से डरते हो सेठ? बात तो कुछ ऐसी है, और भाई मौत से कौन नहीं डरता है, हैं? लेकिन तुम कैसी निडर हो, अरे मौत के मुंह में बैठी हुई हो, मतलब क्या है रेखा, क्या मरना चाहती हो? सेठ, आदमी जीना चाहता है या मरना, ये उसकी अच्छी और बुरी जिंदगी पर है, तभी मौत से भी मुक्ति मिलती है। हैं? मौत से मुक्ति? मिलो, हाँ चलो चलो चलो, हम भी चले, हम भी चले, चलो। अरे अरे भगवान, ये तो मोहब्बत में पड़कर अपनी जान को भी नहीं डरती। अरे रेखा, ये इसको मोहब्बत के झगड़े को चूल्हे में डालो, अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ रेखा, अपनी जान। नहीं नहीं तो पड़ी रहो यहीं, पड़ी रहो। अरे भगवान, अरे भगवान, हम तो तेरे हैं। अरे तुम गिन रही हो? सुना है कि 100 तक गिनने से बला चल जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लाखों जाने खतरे में हैं जो इनकी रक्षा करें, लेकिन जब मुझसे सबसे ज्यादा प्यारी चीज छीन ली गई तो मुझे भी इस दुनिया से उठा ले। ऑफिस से खबर लेनी चाहिए। आप मरीज को देखना चाहते हैं? जी आइए। आइए।
क्या हाल है? अभी वही हाल है, दिमाग पर बहुत बुरी तरह असर हुआ है। जान का खतरा तो नहीं? कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर, 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 प्लीज, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज, एक मिनट के लिए आइए। सर, क्या हुआ? रेखा, रेखा, रेखा। अपने हाथों अपनी जान दे दी। हे भगवान, मेरे दोस्त की रक्षा करो। इसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसे बचा लो, इसकी जान बचा लो, बचा लो भगवान। तो क्या बिमला हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई? एक बात मुझे याद है शंकर, बिमला एक दफा बीमार पड़ी और उसने ये बात मुझसे छुपाई ताकि मैं दावत में जा सकूं। डॉक्टर आराम करने के लिए कहेगा। रमेश, आराम करो, दिमाग पर जोर मत दो। अच्छा, लेकिन एक बात मैं कभी नहीं भूल सकता शंकर, जिस रोज ओपेरा कंपनी के मालिक के पास जाने के लिए मुझे कपड़े धोने थे, उस रोज वो रात को उठी और अपने प्यारे प्यारे नाजुक हाथों से मेरे कपड़े धोने शुरू कर दिए। फिर वही बिमला का ख्याल। आराम करो दोस्त, आराम करो। हाँ, ठीक। लेकिन शंकर, तुम्हें वो अपने से हमेशा अच्छा समझती थी, कहा करती थी कि शंकर भैया जब भी कभी आते हैं तुम्हें कुछ देते ही रहते हैं और मैं तुमसे हमेशा छीनती ही रहती। रमेश, बिमला का ख्याल इस वक्त छोड़ दो। छोड़ देता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है शंकर, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया उसका ख्याल कैसे छोड़ दूं? वो मेरी बहन है, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, उसके बिना मेरा जीवन बेकार है शंकर। रमेश, रमेश, मैं देखती हूँ। कौन आया? आपका तार। तार? चौधरी चाचा का तार। बिमला बीमार है, जल्दी चले आओ। मगर वो वहां कैसे पहुंच गई? बिमला बीमार है। बिमला, बिमला, चौधरी चाचा, चौधरी चाचा, रमेश, रमेश, अरे तुम आ गए रमेश। चाचा, हाँ, बिमला कहाँ? जल्दी बताओ चाचा। बताता हूँ, जल्दी बताओ, मैं बुरी से बुरी खबर सुनने को तैयार हूँ चाचा, मगर बताओ उसे क्या हुआ। घबराओ नहीं, मेरे साथ आओ। आओ, अरे यहाँ कहाँ ले आए मुझको? अरे तुम आओ ना भाई, आओ आओ। अरे खाक नहीं समझ में नहीं मेरे आ रहा, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों ले आ रहे? अरे आओ तो। बिमला भैया। बिमला, बिमला तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया। हे भगवान, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरी बहन मुझे सही सलामत मिल जाएगी। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ भैया। मगर तुम यहाँ कैसे आई? माफ करना रमेश, जिस भूल के कारण तुम पर इतना जुल्म हुआ मैं उसी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब एक शरीफ भला आदमी बिमला को यहाँ लाया तो बेचारी बच्ची को 105 डिग्री बुखार था, 105 डिग्री। ये देखकर हमारे जमींदार बाबू बेचैन हो गए, तड़प उठे और कहने लगे कि ना भाई, बिमला को मैं अपने पास रखूंगा, वो कहीं नहीं रह सकती, पूछिए पूछिए इनसे पूछिए। ये कहने लगे कि कृष्णा की तरह बिमला भी मेरी बेटी है, मैं आप ही इसकी देखभाल करूंगा, बिमला की खातिर नहीं बल्कि अपनी खातिर, अपनी। ये सब मेरी भूल थी, पूछिए पूछिए इनसे पूछिए। हाँ हाँ, मैंने जरूर कहा था,
मगर मुझसे ज्यादा जोर मेरी बेटी कृष्णा ने दिया था। कहने लगी, पिताजी बिमला अब कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे पास रहेगी, मेरी बहन है, मैं इसकी सेवा करूंगी। बिमला, बहन बिमला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। ये लो आ गई। पूछ लो। यही कहती थी कि बिमला मेरे पास रहेगी। पूछ लो पूछ लो। चौधरी चलो। कृष्णा, बिमला को तुमने अपने पास लाकर रखा, ये देखकर मुझे कुछ तज्जुब नहीं हुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन उस दिन शहर में उखड़ी उखड़ी और दिल तोड़ देने वाली बातें बनाकर तुम अपने बारे में मेरा ख्याल क्यों बदलाई थी? क्यों, क्या कोई कारण न था? क्या कारण था? तो क्या तुम अब भी मुझे से प्रेम करते हो? तुम्हें शक क्यों हुआ कृष्णा? औरत का दिल ही ऐसा है, वो अपने सिवा किसी लड़की को अपने प्रेमी के पास नहीं देख सकती। उस दिन जब उस औरत को मैंने तुम्हारे साथ देखा तो मैं गुस्से में अंधी हो गई। और अब अरे शंकर, तुम यहाँ कब आए? बहुत देर से। हमने भी सब कुछ सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, और जो कुछ बाकी रह गया है वो भी आप देख लेंगे और सुन लेंगे। माफ कीजिएगा आपकी ब्याह से। जी हाँ, तो मैं ये कहने आया था कि यूं तो ब्याह के लिए इस महीने में 3 तारीखें शुभ हैं, यानी कि 7, 13 और 20, लेकिन हमारे जिम्मेदार बाबू कहते हैं कि 7 तारीख ही बहुत शुभ है, क्योंकि ये बहुत करीब है। एक बताओ, जिम्मेदार बाबू ने ये भी कहा है कि शादी के बाद जहाँ आप लोगों का दिल चाह आप रहें, महल में, झोपड़े में, गांव में, शहर में, आपकी दया से। नहीं 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 नहीं, पहले मैं पढ़ूंगा। नहीं नहीं, पहले मैं पढ़ूंगा। अरे क्या है, क्या बात? अपनी भाभी के लिए एक तोहफा। सुनो सुनो भाभी, पहले खत में इन्होंने मुझे लिखा, मेरे दोस्त, एक दफा मैंने तुमसे कहा था कि मोहब्बत करना मेरा काम नहीं, मगर कृष्णा की मुलाकात के बाद से मेरी दुनिया ही बदल गई। और दूसरी चिट्ठी में ये लिखते हैं कि मेरे दोस्त, तुम, बिमला और मेरी ये किताबें मेरे जीवन साथी जरूर हैं, मगर मैं देखता हूँ कि कृष्णा बिना मेरा जीवन अधूरा है। ला, दो मुझे दो। लो भाभी, इन चिट्ठियों को अब तुम संभाल कर रखो, ये इस बात की जमानत है कि भैया फिर कभी नहीं भागने पाएंगे। बढ़िया ही जमानत देने वाली।